नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में बेरीनाग के ये हसीन नज़ारे। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, कुछ अंधेरा कुछ उजाला। और यहाँ का वातावरण इतना सुकून देने वाला होता है ना, यकीन मानिए। लेकिन ये नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत तब लगते हैं जब चमकीली धूप आई हो, आकाश साफ हो, तो हिमालय के इतने रंग नज़र आते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है ये इलाका, बेहद खूबसूरत। सवेरा होते ही गायों के बाहर आने का समय हो गया है। और देखिए, हमारी अम्मा ने गायें बाहर बांध दी हैं। दो गायें हैं हमारी, एक बछिया और एक उसकी माँ। दोस्तों, ये ठंडा इलाका है और यहाँ संतरे और माल्टे खूब होते हैं। आजकल संतरों और माल्टों का सीजन है। संतरे तो हमारे नहीं थे, माल्टे हमारे काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी हम लोग बेच चुके हैं, काफ़ी रिश्तेदारों को भी पहुँचा दिए हैं। अभी भी हैं थोड़े बहुत, तो सुबह सवेरे ही कोई माल्टों के लिए ग्राहक आ गए, तो अम्मा उन्हें माल्टे दे रही हैं। दोस्तों, अम्मा ने 3 दिन के माघ के व्रत किए थे, माघ स्नान किया था। आज उनके व्रत का पारायण है, तो पंडित जी आ चुके हैं और पारायण करा रहे हैं। ओम श्री कुल देवता भ्यो नमः, ओम श्री सुरमा देवता भ्यो नमः, ओम श्री कालसर देवता भ्यो नमः, ओम श्री देवगुल देवता भ्यो नमः, ओम श्री हिरमण देवता भ्यो नमः, ओम श्री बेनिमाज भाई नमः। अर्घ्य स्थापन भूम नमः। पुनः पुष्पांजलि ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा सीमा शिवा धाति स्वाधा नमोस्ते ओम श्री दुर्गा देव्याय नमः। पुनः पुष्पांजलि ओम नमः शंभुवाय च भुवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवपुत्राय च ओम श्री श्याम प्रसादाय शिवाय नमः। दिन के समय खाने के लिए मैंने आज बनाई सेवई, मटर, प्याज, गाजर, टमाटर और भुनी हुई मूंगफलियां तैयार करके रख दी हैं तड़के के लिए। राई और करी पत्ता रख लिया है और सेवइयां उबाल दी हैं। अब कढ़ाई में घी गरम करके पहले प्याज, फिर मटर और सारी सब्जियों को तेज आंच पर फ्राई करना है। तेज आंच पर फ्राई करने से ये बड़े क्रंची जैसे हो जाते हैं, बच्चों को खूब पसंद आते हैं। अब इसमें सेवई को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें भुनी हुई मूंगफलियाँ डाल दीजिए। हो सके तो मैगी मसाला ज़रूर डालना चाहिए, उससे इसका स्वाद इंक्रीज होता है। मेरे पास तो आज नहीं था। एक नींबू का रस डालिए। धनिया के पत्ते डाल दीजिए। बस सेवई तैयार है। बच्चे इसे खा के बहुत खुश हो जाते हैं। आज तो मजा ही आ गया ना भैया। Thank you.
दोस्तों, सर्दी के दिनों में दिन बहुत छोटे होते हैं। पता भी नहीं चलता कि घर के कामकाज में कब दिन बीत गया। देखिए, शाम हो गई है और इस समय मैं अपनी गाय का आंगन साफ करती हूँ। शाम की सब्जी में मैं आज बनाऊंगी सिंपल ब्रोकली आलू और टमाटर के साथ। सभी खड़े गरम मसाले डाल के तेल पर चटका लिए हैं। अब इसमें एक एक करके लहसुन, प्याज, टमाटर, गाजर, आलू और फिर ब्रोकली फ्राई करते हुए डालती जाऊंगी। फिर सब कुछ मिला के 15-20 मिनट पका लिया है और रेडी है बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी ब्रोकली की रसदार सब्जी। वैसे सूखी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों के हिसाब से बनाई है तो फिर रसदार बनानी पड़ी। ये दूसरे गांव की भाभी हैं, ऊपर नीचे जाते समय ज़रूर आती हैं और बड़ी जिंदा दिल और बहुत मजाकिया हैं, लेकिन देखिए कैमरे से कैसे शर्म आ रही है। लीली सा साग तो चाहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। एक नई वीडियो के साथ फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।